हम लोग जो चीज़ के लिए भागते रहते हैं करें. वो चीज़ हमेशा आपके लंबा लंबा जाती है. मेरा आइडल ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर है और अभी धोनी भी है उसके साथ. तो लास्ट बॉल में एक रन लेना भी दैट इज एन आर्ट. पीछे जो साउंड आ रहा है ना मिडल वाला, उससे मोहब्बत है बहुत. बहुत सेवा को मैं बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि वो सिंपल क्रिकेट था और सिंपल क्रिकेट से इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया. फर्स्ट क्लास गेम खेल लूँगा या इंडिया टीम के लिए प्रॉबल्स रह जाऊँगा ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था. ये होते गया और जब भी मैंने सोचा कि मुझे इंडियन टीम में अभी चांस है वो मुझे मिला. मुंबई के 35 में नाम नहीं. नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ट्रिकी माइंड चैनल पे. ट्रिकी माइंड चैनल पे हम एक नई सेगमेंट का शुरुआत कर रहे हैं. इस सेगमेंट का नाम है चिट चैट विद द लेजेंड्स. चिट चैट विद द लेजेंड, चिट चैट विद द स्टार्स, चिट चैट विद द सुपरस्टार. आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे जो खास मेहमान हैं वो मुंबई के रणजी ट्रॉफी प्लेयर रह चुके हैं, मुंबई के रणजी ट्रॉफी कोच रह चुके हैं, मुंबई प्रीमियर लीग के कोच रह चुके हैं और मुंबई सर्किट में बड़ा नाम है. इनका नाम है विनायक सामंत जी. विनायक सामंत जी को हम प्यार से दादा कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कहेंगे दादा, क्योंकि जब ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे मुंबई के लिए और त्रिपुरा के लिए और असम के लिए तभी दादागिरी करते थे. किससे? बैटिंग से, अपने विकेट कीपिंग से और अपने गेम और परफॉर्मेंस से. विनायक सामंत जी आपका स्वागत है हमारे शो पे. थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच. कैसा लग रहा है आज? बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग. हाँ, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं. मुझे मालूम है कि तू अच्छा बॉलिंग डालता है. यस, और हमारे कैंप में भी आया था. करेक्ट. सो नाइस टू सी यू अगेन. माय प्लेजर सर. ट्रिकी माइंड्स पे आपका फिर एक बार स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. दादा, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ भी हासिल किया है ये काफ़ी कठिनाई से गए हैं, तो हम इनकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, इनकी क्रिकेटिंग लाइफ के बारे में जानेंगे आज, क्योंकि आज हम इनसे सब उगलवाएंगे कि बींग अ स्टार, एक स्टार बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके पीछे कितना डेडिकेशन और सैक्रिफाइस रहता है कि नहीं सर? 100%. आप देख रहे हो कि सब लोग जो अपने इंडियन प्लेयर है या अपने बॉम्बे के प्लेयर है, दे आर वर्किंग सो हार्ड. करेक्ट. थ्रू आउट उनकी लाइफ से. करेक्ट. तो ये हार्ड वर्किंग तो आपको करना ही है. करेक्ट. आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो स्कूल लाइफ वो कहाँ पे गई है, आपका बचपन कहाँ पे गया है? नहीं, अब बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा बचपन. मैं पहले छबिल्ला स्कूल में था, लेकिन फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं शिफ्ट हो गया शारदाश्रम में, और ऐसे होते होते मेरा सेवन स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गया मेरा क्रिकेटिंग करियर. ओके. जैसे मैं आज अगर सर के पास गया, वहाँ पे सिलेक्शन दिया, सिलेक्ट हो गया, तो बचपन में मैं ऑन एंड ऑफ जाता था वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है. तभी क्रिकेट को कोई इतना बढ़ावा था नहीं. करेक्ट. हालांकि बहुत से हमारे स्टॉलर्स तभी खेल रहे थे पैशन के लिए. ओके. पैसा कुछ था नहीं क्रिकेट में. बराबर. और उस हिसाब से हम लोग स्टडीज़ और क्रिकेट ऐसा मिक्स एंड मैच करते थे. फॉर्चुनेट था कि 8th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल की टीम में आया. ओके. और स्कूल की टीम में मैंने फिर 8, 9 और 10 में खेला. ओके. और वो वैसे मेरा क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट हो गया. ओके. तो घर से सपोर्ट था क्रिकेट के लिए? यस, बहुत सपोर्ट था, क्योंकि तभी मैं डैड के साथ नहीं रहता था, क्योंकि डैड मेरे रहते थे विरार में. ओके. और विरार में तभी स्कूलिंग और ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट था, तो मेरे नाना जी के पास मैं रहता था. तो मेरा बचपन वहीं से स्टार्ट हो गया. तो मेरे अंकल थे अनिल गोसावी और सुनील गोसावी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. Okay. क्योंकि मैं पहले गली क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ पे मेरी मौसी थी, तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ से तुम ये तोड़ेगा वो तोड़ेगा, उससे अच्छा क्रिकेट को जा, क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़. सो वो तो तोड़ नहीं सका, लेकिन फिर भी कोशिश की. तो ऐसे क्रिकेट का मेरा स्टार्ट हो गया कि फ्रॉम गली टू स्कूल क्रिकेट स्टार्ट हो गया. आचार्य सर के पास था, फिर तो सचिन, विनोद, मयूर कदरेकर. ओके. ऐसे बहुत से बड़े बड़े, संजय जाम सांडेकर, अमोल मजुमदार, आपके अजीत आगरकर, सब हमारे इकट्ठा थे. कोई जूनियर था, कोई सीनियर था. प्रवीण आमरे सीनियर थे तभी. ओके. चंदू सर थे, चंदू चंद्रकांत पंडित, लेजेंड. के मैचेस मिलते थे, खुद रहते थे, धूप में बैठ के सर हमेशा नोट डाउन करते थे, कौन कौन प्लानिंग करते थे, कौन कौन कैसे आउट हो गया. वीक पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन होता था आफ्टर द गेम, डेमोन्स्ट्रेशन होता था, और वो डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता था. बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. अभी जब मैं खेल रहा था कुछ
महीने या साल पहले, तभी कोई आउट होके आता था, विकेट बराबर नहीं है, बॉल ज्यादा घूम रहे हैं, बॉल बैठ रहा है, लेकिन यू बीइंग अ प्लेयर आपको तो प्रिपेयर करना है ना सर ये सारी चीजों के लिए। कभी ऑड बाउंस आएगा, कभी आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओगे तो तभी बोल नहीं सकते कि बाउंसी विकेट है, इंडिया में खेल रहे हो तो स्पिनिंग अटैक्स है, इंग्लैंड में स्विंग कंडीशन है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंडीशन। और उसमें वही हम लोग को जो सीखा है वो काम में आया, क्योंकि हम लोग हमेशा गीले विकेट पे खेलते थे, तो गीले विकेट पे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे क्लोज टू द बॉडी खेलना है, राइट, वो हमें ऑटोमेटिक वो हम नर्चर हो गए वहाँ पे, याद आती है सर। मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो उन्होंने विकेट कीपिंग कभी सिखा ही नहीं, मुझे बोलते थे कि बॉल जिधर आ रहा है आप उधर खड़े होने चाहिए, कैसे होना है वो आपको देखना है, बाकी कैचेस वगैरह वो बहुत देते थे, बहुत लंबा लंबा कैचेस देते थे, वो बोलते थे कि आप विकेट पे रहने चाहिए। मुंबई लोकल क्रिकेट में साइड स्क्रीन ये नहीं होता, आप खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, पीछे से चना वाला जा सकता है या कोई पास हो सकता है, लेकिन आपको वो बॉल फेस करना ही है, करेक्ट, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, एलबी आउट हो गए, अंपायर आउट या आपको वॉक आउट करना है, एग्जैक्टली, क्योंकि सर वही सिखाते थे कि आपको रिस्पेक्ट, इवन इफ यू गॉट आउट, एज भी लगा है और आप आउट हो गए हो तो डोंट आर्ग्यू, सचिन ने ये वर्ल्ड स्टेज पे किया हुआ है दोस्तों, सचिन ने वही प्रिंसिपल्स पे थाम रह के, उसने एज लगी है, अंपायर ने आउट भी नहीं दिया, बट सचिन हैज वॉक्ड आउट, एंड दैट इज सेट एज द बिगेस्ट एग्जांपल। बहुत कम प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में, मैं नाम लेना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर है, एडम गिलक्रिस्ट मुझे याद है वो भी करता था, एडम गिलक्रिस्ट एज लगी वॉकआउट, डजंट मैटर व्हाट सिचुएशन इट इज इन, कितने रन पे हो, क्या है टीम पता नहीं। कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। इंटरेस्टिंग था, फिर हम लोग स्कूलिंग पास होके कॉलेज, क्योंकि आशेकर सर ही थे हमारे, बराबर, तो आशेकर सर ने बोला कि, मुझे आज भी याद है कि आशेकर सर ने मुझे बोला था कि कीर्ति कॉलेज एंड झुंझुनवाला कॉलेज, ओके, तो कौन सा कॉलेज, बोला सर कोई भी कॉलेज आप बोलो, तो उन्होंने पूछा कि आर्ट्स की कॉमर्स लेना है, वो फाड़ दिया कि मेरे को कॉमर्स लेना है, तो बोलते तेरे को क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक में रहना है, क्रिकेट ही खेलने वाला है, करेक्ट, तो तू आर्ट्स ले तो तेरे को अच्छा गिरेगा, करेक्ट, तो आशेकर सर का सुन के फिर मैंने आर्ट्स लिया, एंड देन ही टोल्ड मी टू गो टू झुंझुनवाला, क्योंकि कीर्ति में एक विकेट कीपर था, तो मैं वैसे झुंझुनवाला, हमारे संजय बांगर थे, ओके, हाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे हमारे वहाँ पे। न्यू फैक्ट, संजय बांगर इज फ्रॉम झुंझुनवाला कॉलेज घाटकोपर, लोगों को मालूम नहीं है, तो इस हिसाब से हमारी वहाँ पे जर्नी चालू हुई, ओके, सचिन तेंदुलकर और बाकी के जो प्लेयर थे, मनोज जोगलेकर वगैरह, हाँ। वो इधर गए हमारे कीर्ति कॉलेज, कीर्ति कॉलेज, हम लोग गए झुंझुनवाला, क्योंकि सर दोनों ही टीम देख रहे थे, तो इस हिसाब से हमारा क्रिकेटिंग करियर चालू हुआ। सचिन और हम लोग एक फाइनल अगेंस्ट खेले थे, तभी बोला सचिन, ऐसा कुछ बताया मतलब, ऐसे सचिन, नहीं नहीं, सचिन तो खेल के आया था इंग्लैंड का टूर, अच्छा, करके आया था, हाँ, इंडिया, राइट, और आ गया खेलने, पहले 50 रन उसने देख के खेले, ओके, उसने मुझे आज भी याद है, उसने एक स्वीप शॉट खेला, हमारा पेस बॉलर था स्क्वायर लेग पे, और वो स्वीप शॉट हल्का सा ऊपर गया था और वन बाउंस पकड़ा था, राइट, तो मैं बोला यार सचिन का कैच है, तू जा डाइव मार, करेक्ट, हां, क्योंकि ये अभी आने वाला नहीं वापस, और वैसे ही हुआ, वो ही स्कोर 256 समथिंग, so it was just a matter of inches, हां, वो इंच अगर वो कवर कर देता ना तो शायद थोड़े से कम रन से हारते थे। उसने किया कुछ 250-260 कुछ किया, ओके, और वो भी हमारे इसमें दिनेश कुलकर्णी था, अच्छा, इंडिया प्लेयर था, राइट, और दिनेश ने बहुत से रन डाले, बहुत सबको मारा उसने, 50 रन के बाद उसने फिर मार ही रहा था। अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल खेल के कॉलेज क्रिकेट आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस इज एट स्काई लेवल, कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ये आश्रीकर सर का यही था कि आप एक लेवल खेल के नीचे आए तो नीचे का लेवल अगर आपको डोमिनेट करता है, परफेक्ट, तो ही आप ये कर सकते हैं कि ऊपर के लेवल से आए और आप डोमिनेट करना, और ये भी डोमिनेट करते हुए आपको आउट नहीं होगा, आउट नहीं, ऐसा नहीं कि आपने 50 रन कर दिया और ऊपर मार के आउट हो गया, ऊपर मारा तो सामने वाले के टीम का रन तो करो लेकिन मोरल भी डाउन, मोरल भी डाउन, राइट, यही उनका खेल था। तो फिर उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई,
अंडर 19 के प्रोबेबल्स अच्छा किया तो मुंबई अंडर 19 प्रोबेबल्स मुझे आज भी याद है कि तभी स्पोर्ट्स स्टार के मैचेस हुए मैचेस सिलेक्शन मैचेस अलग सिलेक्शन मैचेस नहीं रहे स्पोर्ट्स स्टार्स के मैचेस होते थे और वो होते थे सितंबर अगस्त सितंबर के मतलब कांगालिक का जो दौर है वो टाइम के दौर के बाद में तो होता था बहुत बार के मैच वॉश आउट हो गया है या पहले दिन बारिश गया है चांस नहीं मिला बैटिंग चांस नहीं मिलता था या गीले विकेट पे कभी कभी मैच टफ सिचुएशन होता था और हमारा था मैच अगेंस्ट थाना उधर आपका मयूर कदरेकर था मंदार साने था आपका वो खान था एक नाम नहीं आता है वो खान था फिर अभिजीत काले था अच्छा पूरा एकदम प्रॉपर साइड Okay. और वो साइड के अगेंस्ट मैंने उसमें भी बारिश गिरा था अच्छा और मैंने सो किया था याद भी याद है मैंने 106 रन किए थे ओके और उस तरह से मैं सिलेक्ट हो गया था क्योंकि दूसरे विकेट से मेरे रन ज्यादा थे 250 और 100 हो गया तो मैं आगे निकल गया सो दिस इज ऑल अबाउट आपका डेस्टिनी आपको देता है और मैं बहुत बिलीव करता हूँ डेस्टिनी डू यू बिलीव इन लक यस डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड लक but you can't depend on luck. Youngsters, please listen to Dada what he's saying. Luck is important, but not a dependency on it. तो आपका under 19 के बाद तभी आप simultaneously club cricket भी खेलते थे? हाँ क्योंकि under 19 के बाद मुझे अभी भी याद है कि under 19 का मैं एक ही मैच खेला था बॉम्बे के लिए. Okay. और captain कौन था याद है? तो captain था तभी अमोल मुजुमदार था. अरे legendary अमोल मुजुमदार. अमोल था, साई था उसमें. मनोज जोगलेकर अच्छा साइड था आप लोग तो पूरे साल में एक मैच मिला था और मुझे याद भी याद है कि यूजुअली मैं डाउन द ऑर्डर बैटिंग करता था 7-8 नंबर बैटिंग करता था लेकिन सडनली मेरे कोच ने बोला कि मुझे ओपन करना है क्योंकि ओपन का जगह था सरप्राइज नॉट सरप्राइज बिकॉज मैं यूजुअली हर इसको तैयार रहता था मेंटली मैं इतना टफ था कि मैं चैलेंजेस लेता था पहले से डर लगा था डर नहीं लगा था लेकिन खेला हुआ नहीं था नया बॉल थोड़ा सा और पहले दिन संजय बांगर डाल रहा था अतुल रानडे डाल रहा था और ग्रीन टॉप पे बैटिंग कर रहा था तो थोड़ा सा लटक रहा था मैं इधर थी वो मैच वन खड़े तो थोड़ा सा लटक रहा था तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई नेक्स्ट डे मैं गया चांस ही नहीं था तो गया मैं 14 पे आउट हो गया मुझे अभी भी मालूम है एक बार सिद्दीकी डाल रहा था मैं पुल मारने गया और एक लग के विकेट कीपर के पास गया था सो दैट्स एंड ऑफ अंडर 19 करियर और विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक था इतना कुछ कैचेस भी आए नहीं मैच ड्रॉ हो गया था और फिर देन एक एंड ऑफ डेज पे साईराज डाल रहा था डाउन द लेग विकेट से कुछ नहीं हो रहा था तो रफ पे डाल रहा था तो एंड ऑफ डेज प्ले में वो रफ में डाला और वो ऐसे आगे गया और रफ से डायरेक्ट स्लिप में गया बॉल इतना यूज टर्न इतना यूज और मैं लेग स्टंप पे गया और बॉल गया और अरे पकड़ना एंड ऑफ डे में लास्ट मैंडेटरी ओवर में वो एक ऐसा हो गया और मैं एकदम नर्वस हो गया एकदम मेरा मूड ऑफ हो गया और लास्ट डे था ऐसे भी नहीं कि कमबैक का चांस है तो वो बहुत मन में लगा कि यार एक स्टंपिंग है यार मेरे से तो फिर मैं गया वो प्लाजा गार्डन में अपना एक ही था उधर ज्यादा रश भी नहीं रहता था बहुत रोया मैं बहुत रोया ओके यार क्या है इतना साल भर मेहनत करके एक मैच मिला 14 पे आउट डब्बा डाल दिया 14 पे आउट और स्टंपिंग डाउन हो गया मेरा दो कैच पकड़े थे लेकिन वो छोड़ा वो ध्यान में रखते हैं पकड़ा वो ध्यान में रखते हैं तो सो आई वाज सो अपसेट कि मैं बहुत रोया एक डेढ़ घंटा रोया बोला यार क्रिकेट खेलने से अच्छा अभी अंडर 19 के बाद है क्या क्योंकि तभी अंडर 23 नहीं था ओके अंडर 19 के बाद डायरेक्ट आपके रणजी ट्रॉफी के तो गैप बहुत बड़ा था ओके नेक्स्ट डे वापस सुबह उठा बैग पैक किया और गया प्रैक्टिस को गया तभी एक सोचा कि मुझे एक्सीलेंट बनना मुझे अभी ऐसा नहीं है कि यार कीपिंग में इधर से जाएगा When I started कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीपिंग करूँ और वो बोलते ना कि मेहनत वाले को कभी ना कभी तो रंग लाता है तो इमीडिएटली मुझे मफतलाल पेज फाउंडेशन का वो कैंप था मफतलाल ओके तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया विकेट कीपर वाओ एंड दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी उधर से मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया क्योंकि आपके सबसे बेस्ट बॉलर उधर पे ओके कौन नाम आपका पारस मामरे अच्छा अभी गुरविला ओके सलीम कोला
आपका नीलेश कुलकर्णी, आपका रमेश पवार, आपका साईराज गोरतुले, पूरी इंडियन टीम सर, इंडियन टीम थी, पूरी इंडियन टीम किसका सबसे पावरफुल थ्रो किसका था तो कुछ याद है? सलील एंड अजीत, इनके नाम वसीम, वसीम वसीम जफर भाई, बहुत पावरफुल था वसीम का, बहुत पावरफुल वाओ, लेकिन अजीत और सलील के सबसे पावरफुल, अजीत दादा के तो आपने देखे, अजीत का बहुत एक्यूरेट है, सलील सलील का थोड़ा सा इधर उधर गया, इसके लिए वो खाया था मैंने सलील, वो वन बाउंस लंबा गिरा था, स्किड हो गया सलील दादा, देखो नहीं नहीं सलील भी बोलेगा क्योंकि ह्यूज था, बहुत पावर थी सलील, 6'2" 6'3" तभी 140 वगैरह डालता था वाओ, तो अजीत उसमें क्विक था लेकिन एक्यूरेट, आपको हिलना नहीं पड़ेगा इतना एक्यूरेट, वाओ, और वसीम एक्यूरेट था, ओके, और क्या होता है कि हम लोग अगर बाहर है तो मेरी नर्व सिस्टम स्लो हो जाती है, और जब हम लोग अंदर जाना है तो हम लोग को बॉलर की नर्व सिस्टम से अपना नर्व सिस्टम मैच करना है, तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा भी नर्व सिस्टम से थोड़ा मैच नहीं कर पाए और लेथर्जी हो गया, बैट आना अगर आपका थोड़ा सा भी लूज हो गया तो आप यू गेट आउट, यू लूज योर विकेट, ये एक्सैक्टली कैन कॉस्ट अ मैच, एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू मफतलाल, लगा मफतलाल में साईराज बहुतुले भी थे, नीलेश कुलकर्णी भी थे, ओके, कीपिंग में चैलेंजेस आते थे ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्योंकि ये सब माहिर बॉलर थे, ये तो क्या इनको कीपिंग कर करके तो मैं बहुत अच्छा और कीपर हो गया, ओके, तो वहाँ से क्या हो गया कि वहाँ से मुझे मिला CCI जैसा क्लब, ओ इट्स अ बिग टर्निंग ट्रैक फॉर टर्निंग पॉइंट फॉर मी, फर्स्ट क्लब वाज CCI क्लब, नो फर्स्ट क्लब वाज आई वाज प्लेइंग फॉर सी डिवीजन फॉर दहिसर स्पोर्ट्स क्लब, ओके ओके, और एक ही साल में मैंने जंप किया ए डिवीजन, वो भी हो गया क्योंकि मैं मफतलाल का मैच खेल रहा था, ओके, और एक अमित दानी बॉलिंग डाल रहा था और थोड़ा सा गीला विकेट था तो मैं उसको ऊपर विकेट दिया था क्योंकि अपन डाल के रिलीज कर, हेलमेट पहनते थे, हाँ हेलमेट पहनता था, नहीं तभी नहीं पहनता था, तभी कल्चर नहीं था, कल्चर नहीं था, मैंने इधर खाया था उसके बाद, तो मैं आगे विकेट कीपिंग कर रहा था और मैंने विकेट कीपिंग तभी मिलिंद रेके सर देख रहे थे, मिलिंद रेके सर वॉज मेंटर फॉर CCI और मे बी मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसमें थे, ओके, तो विकेट कीपिंग अच्छी लगी तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बुला के पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन CCI, मैं सर सुने पे सुहागा 100% सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हेमंत किंकरे सर हैं तो उनके घर पे जाके वो फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट, ये भी एक किस्सा है, तो मैं तो मुझे मालूम नहीं था हेमंत किंकरे कौन है क्या है, तो मैं तो गया लता दीदी के घर पे, हाँ पेडर रोड, मैंने बेल दबाई, हेमंत किंकरे को मिलने गया, देखा तो सामने लता दीदी ने दरवाजा खोला, मैं चुकीचा घर ही आलो का गया, मैं घर चुक गया क्या, तो मैंने पूछा कि हेमंत किंकरे, उन्होंने बोला आओ आओ अंदर है एक मिनट, तो ऐसे जस्ट वाक्य याद है, राइट राइट राइट, उधर से फिर मेरा CCI का क्रिकेट स्टार्ट हो गया, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट के CCI की टीम में कौन थे रवि, सब यही थे स्टॉलवर्ट, अमोल, अभिजीत कारे, अमरजीत मारवा, सचिन नलकर, विनोद कामड़ी, सलील अंकोला, पारस मामरे प्लेट, आपका साईराज प्लेट 2 सीजन, ओके, संदीप पाटिल हैज प्लेड विद संदीप पाटिल, अजिंक्य राणे, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, रवि शास्त्री वाज देयर वन मैच ही, ओके, मेरे को जनरेशन गैप दिखाना है, संदीप पाटिल साहब के साथ अपने मैच खेला हुआ है और यंगस्टर जब आप 2012 में रिटायर हुए, ओके, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, अजिंक्य राणे, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर वाज ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, संदीप पाटिल रवि शास्त्री के बाद मुंबई क्रिकेट के रोहित शर्मा और अजिंक्य राणे तक, यू हैव सीन 3 generations ऑफ मुंबई क्रिकेट, संदीप पाटिल सर कैसे थे? और उसमें देखिए कि मेरा डेस्टिनी कैसे होता है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पाटिल सर ने बोला था कि सनराइजर्स को खेलना है, जहाँ पे SBI ने कंफर्म किया था
वहाँ पे हो गया बीपीसीएल भी और रिटायर हो गया, मैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया बीपीसीएल से. सो दैट्स व्हाट यू नो हम लोग सोचते हैं, हम जस्ट वेंट विद द फ्लो. एग्जैक्टली, यू हैव टू, यू हैव टू. हम लोग ये नहीं सोच सकते कि मैं ये करूँ, करने से ये होगा या ये करने से ये होगा. चीज़ें होती जाती हैं. ओनली थिंग इज आपको एफर्ट्स, आप जो ड्रीम विजन फोकस रहना चाहिए ना. यस यस, इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी. किधर जाना था, इधर से किधर. इवन आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैं आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं 101 रणजी ट्रॉफी 101 फर्स्ट क्लास गेम खेल लूँगा या इंडिया टीम के लिए प्रॉब्लम्स रह जाऊँगा. ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था. ये होते गया और जब भी मैंने सोचा कि मुझे इंडियन टीम में अभी चांस है, वो मुझे मिला बिकॉज ऑफ दैट डेस्टिनी. अगेन करेक्ट, तो डेस्टिनी ने इतने चांसेस दिए तो शायद डेस्टिनी ने वो एक चांस दिया नहीं होगा. क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ के लिए भागते रहते हैं वो चीज़ हमेशा आपके लंबा लंबा जाती है. करेक्ट, आपको क्या करना है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना, अपना काम करना है. वो चीज़ अगर आपके नसीब में होगी तो आपको आके मिलेगी. इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, इफ विल स्टिक स्टिक दैट बटरफ्लाई, इट विल करेक्ट, इट विल जाते ही रहेगा. वो आपसे दूर जाएगा, दूर जाएगा. अगर आप सही पे हो तो आप कंधे पे आके बैठ जाएगा. अपॉर्चुनिटी इज लाइक दैट ओनली. करेक्ट, ओनली थिंग इज यू हैव टू कैच दैट अपॉर्चुनिटी. काम फोकस. यस, पीछे जो साउंड आ रहा ना, ऐसा मिडिल वाला, हां उससे मोहब्बत है बहुत. हां बहुत. और वो पहली जो वो मोहब्बत है, जब भी खुद के बैट से आती है या अपने टीम वाले के बैट से आती है, सामने वाले से अगेंस्ट से टीम आती है, तो फिर वो ये हो जाता है, फिर वो ईर्ष्या हो जाती है. ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन हो जाती है. ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, वो गाली गलौज हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा माहौल बदल जाता है. सिंगल्स का इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत है, बहुत है. क्योंकि क्या है, सिंगल्स से आप कभी भी बॉलर्स को सेटल नहीं होने देते. सिंगल्स चुराना इट्स आर्ट. इट्स लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे लास्ट बॉल है ना, तो इसको एक रन दे के सामने भेज. राइट, लेकिन वो लास्ट बॉल में एक रन लेना भी दैट इज एन आर्ट. सबको नहीं जमता कि मैंने शॉट डाला, वो कट खेला उधर, एक उसमें चार जाता है. बहुत बार मैंने देखा है. करेक्ट, करेक्ट. तो इट्स एन आर्ट कि आप सिंगल्स कैसे कन्वर्ट करते हो, अच्छे बॉल को सिंगल्स कैसे कन्वर्ट करते हो. क्रिकेट सिंपल है ना, जैसे आ रहा है वैसे खेलो, वैसे खेलो. सिंपल, ऑफ का बॉल ऑफ में खेलो. हां, अगर आपके आर्क में है मारो. सिंपल है. इसके लिए सेवा को मैं बहुत लाइक करता हूं. वो सिंपल क्रिकेट था और सिंपल क्रिकेट से इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया. वो मतलब 195 पे है वीरेंद्र सहवाग जी और स्टेप आउट होके उसको मारना मिला तो वो मारे. वो ये नहीं देखेगा कि लॉन्ग ऑन रखा है, डीप मिड विकेट रखा है, कुछ उसको मिला उसके आप में, वो आउट भी होगा और मारेगा. मारेगा भी. करेक्ट, करेक्ट. आपका रणजी ट्रॉफी का सफर जो शुरू हुआ आपका, उसके बारे में बताइए. वो फर्स्ट डे एज अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर यू आर स्टेपिंग इन टू अ मुंबई क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम, तभी बॉम्बे क्रिकेट का या मुंबई क्रिकेट नहीं, तभी मुंबई क्रिकेट आप खेल रहे मुंबई क्रिकेट, तो तभी आपका सफर बताइए. एक तो एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था उसके पहले, क्योंकि मैं खेल रहा था आसाम को. करेक्ट, क्यों खेल रहे थे आसाम को जरा बताइए. आसाम को खेल रहा था क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम था 2 साल. करेक्ट, लेकिन चांस नहीं मिला था क्योंकि समीर दिखे था, ऑब्वियसली अच्छा कर रहा था. This is back in 1995. Yes. 1995 में आपने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया आसाम के लिए. हाँ, तो मैं 93 में, क्योंकि अच्छा कर रहा था मैं. करेक्ट, तो 93 में मैं ट्रॉवल्स था. करेक्ट, बॉम्बे की. ओके, सो मैं वो जोन में था, वो सर्कल में था, लेकिन 2 साल में चांस नहीं मिल रहा था. और उसमें क्या हो गया कि समीर दी के एक मैच बीमार था, तो एक दूसरा एक विकेट कीपर खेला. ओके, हाँ, तो 19-20 का ही था. तो मैं बोला कि अरे डिसअपॉइंट हो गया कि अरे मैं अच्छा कर रहा था, चांस मेरे को चांस मिला तो मैं निकल जाता. लेकिन अगेन डेस्टिनी. करेक्ट, तो वो मैच एक मैच खेला, फिर समीर दी गया, फिर उसको भी बेचारे को चांस नहीं मिला. वो तो एक ही मैच खेला, उसके बाद एक ही मैच पे उसका क्रिकेट का भी खत्म भी हो गया. ओके, बस. लेकिन ऐसे था, मैं बोला सर क्या करूँ. फॉर्चुनेटली मैं बीपीसीएल में किसके पास गए थे गाइडेंस के लिए, तभी आसाम मूव होने के पहले किससे गाइड, किससे रूबरू. मैं बोला ना कि डेस्टिनी आपको आके मिला देती है. इट इज लाइक डेस्टिनी ने मेरे को मिला है. करेक्ट, तो आई वाज विद बीपीसीएल. ओके, तो 94 बीपीसीएल लगा. 95 में जब मेरे को राजेंद्र सिंह ने फ्रॉम आसाम, ओके, उसने देखा मुझे कि अरे विकेट कीपर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो अपने पास विकेट कीपर नहीं है. तो उसने मेरे को तभी पूछा था कि भाई, और मेरे दो कलीग्स खेल रहे थे वहाँ पे,
उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि ये विकेटकीपर रहेगा तो कैसे हमको ऑल इंडिया अंडर कैसे पीछे करेक्ट तो फिर क्या छूट रहा है। आसाम के दो तीन प्लेयर बीपीसीएल के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी आपका रेफरेंस दिया। ये विनायक इज अ गुड विकेटकीपर, तो इसको रिकमेंड किया था प्रोफेशनल। तभी तो मैं मोहाली मुंबई यूनिवर्सिटी खेला, ओके, और यूनिवर्सिटी खेल के मेरे को जॉब मिला, ओके। मुंबई यूनिवर्सिटी खेल के मफतलाल भी खेल रहे थे, मफतलाल खेल के सीसीआई गए, सीसीआई के बाद आप मुंबई के प्रोबेबल्स में थे, मुंबई के प्रोबेबल्स में बीपीसीएल खेलते खेलते आप आसाम मूव, आसाम, ओके। और वो बहुत बड़ा उसके पहले कभी आसाम गए थे? नहीं नहीं कभी नहीं मैचेस के लिए भी नहीं देखा था, लेकिन आसाम रियली थैंकफुल टू आसाम, आसाम उधर के लोगों का और बहुत प्यार मिला, आसाम स्टेट का यस बहुत प्यार मिला, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं वहाँ पे, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। और छः साल मैं उधर था, छः साल 1995 to 2001। कभी ख्याल आया था इसके बीच में कि वापस मुंबई जाना चाहिए खेलने के लिए? नहीं, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हो गई कि उधर आसाम से फिर मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि वो दूसरा विकेट कीपर आ गया, फिर वो थोड़ा सा वो कैप्टन हो गया, फिर मेरे को गीला विकेट पे 3 नंबर बैटिंग देता था, और उधर रन करने के बाद अच्छे विकेट पे वापस 9 नंबर बैटिंग, तो उस हिसाब से थोड़ा सा फिर मेरा मन खट्टा हो गया। तो मैंने उधर वो कोच को बताया कि मैं नेक्स्ट सीजन नहीं आऊँगा, ऐसे चल रहा है तो मैं नहीं आऊँगा, राइट। हालांकि मैं वहाँ पर जोन खेल रहा था, करेक्ट, लेकिन वो दुलीप ट्रॉफी वगैरह खेला था, दुलीप ट्रॉफी सब खेला, ओके। और उधर से मैं इंडिया प्रोबेबल्स में आया। ओह वाओ, इंडिया प्रोबेबल्स कौन से ईयर में थे? वो सापा गरीब को आग पे लगा, राइट, वो टूर पे मैं ही जाने वाला था, तो साउथ अफ्रीका जाने वाला था, लेकिन वो तभी वो 5 सिलेक्टर थे, उनमें वोटिंग हुआ, ओके, 3 वोट उसको गिरे, 2 वोट मेरे को, उतने मैंने बोला वो डेस्टिनी है। सो एनीवे लगा था वो रात जब ही नाम आया था, नहीं वो तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे बाद में पता चला, बुरा नहीं लगा था? नहीं नहीं, क्या बुरा, क्या रहता, बुरा नहीं, मैं बोला कि रिग्रेट सही नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 101 फर्स्ट क्लास गेम खेल रहा हूँ, मैं फर्स्ट वो सीट पे बैठा हूँ, आई एम रियली हैप्पी, 101 फर्स्ट क्लास गेम फॉर 17 इयर्स फॉर 3 स्टेट्स, यस, और तभी तो 4-4 मैचेस होते थे। अच्छा, और आसाम तो भी प्लेट खेल रहा था, लेकिन तभी जोनल क्रिकेट था, तभी कोई इंडिया प्लेयर थे आसाम के लिए? नहीं, कोई भी इंडिया प्लेयर नहीं था, ओके। तभी थे बंगाल के लिए थे हम लोग, क्योंकि इस जोन में खेलते थे, इस जोन में बंगाल के साथ खेले, उड़ीसा, हाँ दादा के साथ खेला हूँ, उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार, फिर रांची भी आ गया, ओके। तो दादा के साथ जब भी आपका इंटरेक्शन हुआ था, दादा इंडिया खेल चुके? हाँ, इंडिया खेल के आए थे, और हम लोग ने आउट भी किया था। अच्छा, स्क्वायर लेग पे आउट किया। तो फिर आसाम के बाद मुंबई गए सफर शुरू? हाँ, तो वो 2001 में मैं फिर यहाँ पे आया, तो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मेरा मैंने NOC वगैरह लेके पूरा इधर किया, आई एम अवेलेबल फॉर मुंबई। सो लेकिन उसके बाद भी 35 प्रोबेबल्स निकले, तो उसमें नाम नहीं था। ओह, रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में नाम नहीं? आई वाज सो यू नो सो डिस्टर्ब, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। सर्किट में चर्चा होती है कि विनायक सामंत का नाम मुंबई प्रोबेबल्स में नहीं है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे मुझ पर विश्वास था, लेकिन हुआ ऐसा कि साला मैं 35 में नहीं, हाँ साला मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, मैं 35 में कैसे? तो मैं बहुत सा तभी वो टाइम पे खुद पे डाउट किया? अब बिल्कुल जरा भी नहीं, बिल्कुल था ही नहीं, था ही नहीं, खुद के ऊपर डाउट था ही नहीं। तो मैं ये टाइम पे आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा था जब भी 35 में आपका नाम नहीं है? नहीं, यूजुअली क्या है, मेरे अंकल स्पेशली वो इतना टेंशन लेते नहीं। अच्छा, इसके लिए वो टेंशन का था, सेंचुरी मारा तो भी ज्यादा नहीं, नहीं नहीं उनको आनंद होता था, लेकिन ओवर नहीं, ओवर नहीं, तो मेरे अंकल से तो कुछ टेंशन ही नहीं। गोसावी सर? हाँ, सुनील गोसावी, गोसावी सर, यस। तो वो एकदम कूल थे, उनको मालूम है कि ये कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये करेगा, और विश्वास और पाथ पे है, पाथ पे, हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हाँ, कभी भी ऐसा ये नहीं था कि यार पैसा कमाओगे, ये करोगे, ऐसा ये नहीं था, ऐसा टेंशन नहीं था। एनीवे, तो मुंबई के 35 में नाम नहीं, तो फिर मैंने बोला कि अभी करूँ क्या, सेलेक्टर थे अपने दिलीपेंद्र सर का, बहुत खड़ूस, उनसे बात करना क्या, उनके बाजू में भी खड़ा रहने से हवा भी कतरा थी। सो अभी बोला क्या, मैं तो डिस्टर्ब था, तो मैंने मकरन वाइनकर सर के वोट किया मैच को, यस,
हेलो सर ऐसा ऐसा है जो मुझे मिला है आ जाएगा तू देख थोड़ा सा नहीं नहीं मुझे मिलना है कि मुझे पूछना है कि मेरा नाम क्यों नहीं नहीं क्यों नहीं नहीं मेरा तो नाम आएगा कि नहीं तो है क्या अभी उसको पूछ नहीं सकता तो मेरा नाम आएगा क्या तो उन्होंने मुझे नंबर दिया मैंने सर से बात की अपॉइंटमेंट ली मैंने एल्फ अपना है ना एकेडमी ओवल पे गया मैं दूसरे को 2 बजे उनको बुलाया वो 2 बजे मैं 2 बजे पहुँचा मैं 2:45 बजे पहुँचा वो 2 बजे बराबर आ गया मैं उनको बोला हेलो सर बैठ 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 मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे खिलाओ लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा नाम रहेगा मैंने इतना भी मैं ख़राब नहीं हूँ कि मेरे को इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि मेरा नाम नहीं है तो मेरे को पहले बोला कि मैंने बुलाया गया तुमको अच्छा तो क्या मैंने बुलाया गया तो मैंने सर आपने नहीं बुलाया लेकिन आपके ही एक कलीग ने मुझे बोला तो वो उसको बुला खेलने के खिलाने के लिए मेरे को क्यों बोला सो ही सो स्ट्रिक्ट एकदम 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 लेकिन मैं भी मेरे पास नथिंग टू लूज था मेरे को तो बात करनी ही थी उनसे करेक्ट मैं तो बोला सर मैं आई एम नॉट अ सचिन तेंदुलकर और गावस्कर और वेंगसरकर और मैं ये नहीं था कि मैं सर्टनटी नहीं था मेरे को बोले हाँ मेरे को बोले कि फिर तू छोड़ के गया मैं प्रॉब्लम्स में था ना तू छोड़ के क्यों गया वो टाइम पे 93 मैं उनको बोला ना कि सर वो मिलेगा तो इससे प्राइड है तो बोलते छोड़ के क्यों गया बोले सर मैं वेंगसरकर गावस्कर ऐसा नहीं था मैं सामंत था अभी प्रॉब्लम्स में था सभी दिखे उधर था किधर चांस ही नहीं दिख रहा था तो और उधर सामने से अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपॉर्चुनिटी को गले लगा लिया उधर ग्रैब किया और मैं गया मैं बोला सर मेरे जगह आप अगर सामंत रहते तो आप भी यही कर देते बराबर मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की ट्राई की इसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स क्या है मैं बताता हूँ मैं आ रहा हूँ मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ जानने के लिए क्योंकि दिलीप वेंगसरकर उनका नेचर और आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो जस्टिफिकेशन मांगने गए हो मेरे को अरे वो खड़े ही नहीं करते नसीब मेरा मैं बोला ना कि डेस्टिनी उन्होंने मेरा बात कर लिया और मैं बिठाया और मैं बात कर रहा था आज भी लोग उनसे बात करने में डरते हैं बैठ रहे रूबरू बात कर रहा था मेरी कहानी उनको सुना रहा था वो सुन रहे थे अच्छा कम से कम मैं 15-20 मिनट बात ही कर रहा था वो सुन रहे थे बोर हो गए थे लेकिन सुन रहे थे फिर आगे तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी जगह पे आप रहते तो आप भी शायद जाते थे करेक्ट करेक्ट लेकिन ठीक है उनको यही चाहिए कि मैं ठीक है अभी नहीं हूँ लेकिन मैं अगर अच्छा करूँगा तो आप कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे मुझे उसका आंसर दीजिए मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए बराबर तो उसने सोचा बोला तो रन करेगा ये करेगा तो ऑब्वियसली कंसिडर करेंगे करेक्ट ओला सर थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट ईयर मैं बॉम्बे खेलता हूँ थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर मिलता हूँ और मैंने उनको हैंड शेक किया और मैं थैंक यू बोल के निकल गया ये कॉन्फिडेंस है ये हो गया क्योंकि कॉन्फिडेंस तो था ही हो गया और ट्रस्ट भी तो बोलते ना कि आपने बोलना और भगवान ने उठाना करेक्ट वैसे ही हो गया मेरी नेक्स्ट ईयर मैं 2 मैच के बाद टीम में आया फिर उसके बाद कभी मैंने पीछे नहीं देखा उसके बाद तो फिर मतलब मुंबई तो पहले थी चैंपियन नो डाउट ओके पर आप आने के बाद आपका वो पहला दिन मुंबई के ड्रेसिंग रूम में एग्जैक्टली हाउ योर टीममेट्स वेलकम यू ये भी एक किस्सा है मैं अपना पटिया विकेट कीपर था पटवर्धन ओके तो देखो कैसे डेस्टिनी कैसे देता है करेक्ट पटवर्धन खड़ूस साला बैट्समैन साला मुझे आउट ही नहीं होगा नहीं होगा इतना सेशन निकालने विकेट कीपिंग ठीक अच्छा करता था और बैटिंग के साला और ऑफ सीजन में कोई न्यूजीलैंड के साथ खेला था वो शो करके आया देखो मैं बोलता हूँ ना हमेशा डेस्टिनी कैसे होता है आपको नसीब में रहेगा तो आपको कैसे भी रहेगा और नसीब में नहीं रहेगा तो आप कुछ भी करो नहीं मिलेगा सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेस्टिनी इसके लिए मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ तो 2 मैच वो फ्लॉप हो गया 2 मैच में 4 इनिंग विकेट कीपिंग ठीक ठाक हो गई और मैं इधर रन पे रन कर रहा था सीसीआई को खेल रहा था तांबालीग में रन पुलिस शील्ड पे रन टाइम शील्ड में मैच आया तो उधर 60-70 नॉट आउट मेरा हो रहा था सब अच्छा हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से टीम आया था मैं उसके अगेंस्ट कुछ 80 करके मैच जीता दिया था और उधर मुझे पता चला कि तेरे को नेक्स्ट 2 दिन में वानखेड़े पे रिपोर्ट कर ऐसा तब भी मालूम पड़ा हाँ तब भी मालूम पड़ा कि तू सिलेक्ट हो गया आई वाज सो हैप्पी आया विनायक सामंत इज बैक बैक वो जो मैंने कहा था स्पेंसर का सर को दिस इज द टाइम या या सो मैं आ गया टीम में आ गया तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट था करेक्ट
पहले आते हैं दूसरे दिन आते रहने के लिए, तो प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस होने के बाद एक दिन पहले हम लोग एक्चुअली क्वार्टर सर उधर हम लोग आए, शाम को आया वानखेड़े पे गया, मैंने देखा साइड सीन से इधर से जो अच्छा ब्रीद आ रहा था जस्ट लिया, और मैंने तभी मैंने खुद को बोला कि यहाँ पे अभी नाउ ये जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, सो ये छोड़ दो। सो दैट ब्रीद मैंने लेके मैंने वो मेरा करियर का शुरुआत मुंबई के लिए स्टार्ट। हवा में एक ताजगी थी, हवा में एक जोश था, हवा में एक जुनून थी, हवा में एक सपना था वापिस पाने का, वो लायन वापिस पहनने का। एग्जैक्टली फिर वो शुरुआत हो गई, फिर हमारे सब टीममेट्स एक सब वापिस आ गए, सब आ गए। और हाँ एक ये भी तभी कैप्टन कौन था? पारस मापुर। पारस कैप्टन था और बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा काम है, वेरी काम, वेरी कूल, कभी एग्रेसिव नहीं। नहीं नहीं कभी नहीं। आई गेस इसके लिए उनका और राउडर जी का कोऑर्डिनेशन। यस यस इज नॉट दिस इज थॉरली जेंटलमैन एकदम, कभी ऐसा नहीं समझा के बोलेगा, जो भी है जैसे एक्सपेक्टेड समझा के बोलेगा, अभी भी टाइम पे बांबू भी देगा। अच्छा बट वो भी एक तरीका है। हां एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं। सो उसके ओके फिर पारस मामले के कैप्टन थे। मुंबई का कैप किसके हाथ से मिला ऑफिस? चंदू सर थे। ओके चंदू सर ने मुझे वो कैप दिया, कैप दिया याद है। और चंदू सर पहले खड़ूस एकदम, मुंबई क्रिकेटर्स का एक अलग स्वैग है ना सर। एग्जैक्टली मुंबई क्रिकेटर मतलब यू कैन गो एंड प्ले इंडिया, बट मुंबई टीम में आना बहुत मुश्किल था। दूसरे स्टेट से खेल के आप इंडिया खेलो वो पॉसिबल था, पर मुंबई रणजी ट्रॉफी प्लेयर बनना मतलब यू आर लाइक अ स्टार, क्योंकि तभी इंडिया के 10 प्लेयर मुंबई के रहते थे, उसमें से प्लेइंग 11 के 6-7 प्लेयर 8 में तो रहते थे मुंबई के। ये ऐसा सब अपने मुंबई के प्लेयर ने दादागिरी किया था। तो पहले मैच में बैटिंग भी था। हाँ 120 पे 6 विकेट। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट आंध्रा, आंध्र प्रदेश। साबुद्दीन ने 5 विकेट निकाले। ओके 120 पे 6 थे हमारे। डेडली पेस, गुड 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 मूवमेंट, मूवमेंट। वानखेड़े पे क्या है, सुबह बैटिंग आया तो 3-4 विकेट तो जाते ही जाते हैं, राइट। और सब वसीम वसीम सब निकल गए थे, माने वसीम वगैरह सब टॉप ऑर्डर गए थे, और मैं और रॉबिन मॉरिस बैटिंग कर रहे थे। अच्छा फिर वो शाबुद्दीन को फर्स्ट बॉल जो मैं खेला जो बैकफुट ड्राइव के वो बाउंड्री गया था, दैट्स इट, वो आवाज थी। हाँ सो उसके बाद फिर नो टर्निंग बैक फिर मैंने 84 किए थे फर्स्ट मैच में। एक्चुअली सो होते थे थोड़ा सा एक कैजुअलनेस ओवर फोकसनेस। ओह ये भी एक किस्सा हो गया था, क्योंकि मैं कैसा पेस 44 पे था और नया बॉल ड्यू में तो बॉल ऑलरेडी दिख रहा था। अच्छा तो मैं 44 से डायरेक्ट 84 पे चला गया इन क्विक टाइम। चंदू का और कहते मैं स्लैशी स्लैशी कहते हैं तो एक गली से मैंने बाउंड्री मारा जोर से, तो चंदू सर का मेरे को मैसेज आया वो फोकस होकर खेल। हाँ चंदू सर का मैसेज आया तो सो टाइम तो मैं ओवर फोकस होकर गया, ओवर फोकस में थोड़ा सा जल्दी खेल गया, माय गुडनेस, ब्रिलियंट कैच पकड़ा मिड विकेट और मैं आउट हो गया। इट इज नॉट चंदू सर फॉल्ट बट यस ओवर फोकस इज आल्सो डेंजरस। एनीवे लेकिन मैच हम लोग जीत गए, दोनों इनिंग हम लोगों ने उनको आउट ऑल आउट कर दिया। वो इनिंग 84 के इनिंग के बाद विनायक सामंत वाज अ परमानेंट मेंबर ऑफ मुंबई क्रिकेट ड्रेसिंग। यस बट लेकिन मैं हमेशा अपना प्रोग्रेस लिस्ट में हमेशा नाम देखता था नेक्स्ट ईयर के। ओके क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि भाई किसने रिप्लेस कर दिया, डर था ना हमेशा, और रहना चाहिए 100%। हाँ तभी आप अच्छा करोगे, रेस्ट नहीं रिलैक्स नहीं कि मैं हूँ, वो सिक्योरिटी नहीं हूँ क्या, ऐसे ही होता है ऐसे। हाँ करेक्ट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये मैंने सवाल क्यों पूछा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना कि ठीक है 12 मैचेस है सीजन के, 2-3 मैच में परफॉर्म करने के बाद उनको एक प्लेस सिक्योरिटी आ जाता है, पोजिशन का सिक्योरिटी, मैं तो हूँ, और उसके वजह से उनका फोकस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं मेरा बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं। मैं हमेशा आप मेरे वाइफ को पूछोगे, मैं हमेशा उसको पहला पेपर देख के पूछता था कि मेरा नाम है क्या, देख उसने हमेशा देखता था कि अरे प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम सर आ रहा है। हमारे जो फास्ट बॉलर से उनके बारे में बताइए। तो मैं पेस बॉलर अटैक था, पहले तो पारस था, पारस फिर आविष्कार सारवी, राइट सलीम गिल तब सब गए थे, लेकिन आविष्कार का फिर धवल कुलकर्णी आया, अविष्कार खुलते थे बराबर,
पांच विकेट निकाल दी अगर उन्होंने तो पीछे अपने साईराज और रमेश थे ही थे और नीलेश ये तीन जन तो बोल रहे थे। इसके लिए आप पूछोगे ना मेरे को तीसरे बॉलर का नाम ही नहीं आता था क्योंकि ये दोनों ही ओपन करते हैं, पेस बॉलर ये दो और फिर नीचे वाले स्पिनर्स, इनमें ही काम तमाम होता। कॉम्पिटिशन बैट्समैन के लिए था या विकेट कीपर के लिए था उतना कॉम्पिटिशन बॉलर्स के लिए भी था, मतलब फास्ट बॉलर के लिए था, स्पिनर्स के लिए था। देखो साईराज था, नीलेश कुलकर्णी थे, रमेश पवार थे, स्पिनर्स के लिए कंपटीशन नहीं था क्योंकि ये सब स्टॉलवर्ड ही थे। तो मतलब वो तीनों में ही थे, तीनों ही। मीन्स ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है, चंदू सर को ऐसा होता था कि अभी जॉब किसको करे कि भाई ये अभी ग्रीन टॉप है, दो स्पिनर खिला है, एक किसको ड्रॉप करे, ऐसा होता था। रोटेशन में चलता था, रोटेशन में नहीं, फिर वो देखते थे कि कौन सा राइटी लेफ्टी में, फिर एक लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर रख दिया, लेफ्ट ऑफ स्पिनर, ऐसे सब होता था। लेकिन इतना टफ था इनको ड्रॉप करना, रथी महारथी थे सब। तो 2004 के पास आते हैं, 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम, और वेस्ट इंडीज टीम थी। वेस्ट इंडीज टीम को 12th मैन चाहिए था क्योंकि सारे प्लेयर फूड पॉइजन की वजह से बीमार थे और उनके पास सिर्फ 11 प्लेयर्स थे। तो आपको पता है 12th मैन कौन थे? हमारे विनायक दादा। वो किस्सा जरा बताइए हमारे दर्शकों को। अगेन इट्स अ डेस्टिनी अपॉर्चुनिटी बाय गिवन बाय गॉड, राइट। मेरे को अभी भी मालूम है, मैं टाइम शीट करके MIG से घर आ रहा था, ओके, और मुझे फोन आया, ओके, कि अरे ऐसा ऐसा है अपने वेस्ट इंडीज के चार प्लेयर बीमार है और एक जा रहा है घर पे, तो फील्डिंग को कोई नहीं है, तू आ सकता है क्या? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी ना सोचा नहीं, बोला हाँ मैं आता हूँ ना। हाँ, और हुआ था क्या था कि मेरा किट बैग था, टाइम शील्ड चल रहा था, करेक्ट, अभी ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तभी अलाउड नहीं था, करेक्ट, टाइम शील्ड मैंने क्रिकेट खेलने को मिल रहा है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिल रहा है सामने से, मैंने तो हाँ बोल दिया तुरंत, करेक्ट, मतलब मेरा क्या किट बैग नहीं है मेरा, अभी क्या करूँ। और मैं था टैक्सी में, तो मैं जैसे MIG से प्रैक्टिस सब टैक्सी से घर आ रहा था, तो बोले जल्दी बुक कर दो, उनका फील्डिंग स्टार्ट होने वाला है, लंच टाइम होता है, फील्डिंग स्टार्ट होने वाला है, तेरे को जल्दी आना है। मतलब मेरे को आधा घंटा तो आधे घंटे में पहुंचता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं बोले टैक्सी लेके जाऊंगा तो पहुंचूंगा नहीं। Correct. मैं पहले टैक्सी लेके घर पे गया, मेरा एक नया वाला शूज था, शूज था नहीं, मैंने वो MIG पे रखा था क्योंकि मैच स्टार्ट था, टाइम शीट चालू था, दूसरा दिन खत्म हो गया था, तीसरा दिन बाकी था, मिडल ऑफ द गेम। हाँ, बोला अभी क्या करूँ, तो घर पे जाके वो नया शूज निकाला, वैसे ही भाग भाग के ट्रेन गया, ट्रेन से वानखेड़े गया, वानखेड़े से सॉरी ट्रेन से सीसीआई पे भाग के गया, उधर नीचे से फोन किया, अरे छोड़ दिए, बोला छोड़ छोड़ छोड़, 12th मैन हूं मैं, भागा भाग के गया। तो चंद्रपॉल ने उसका मेरे को नया टी शर्ट और ये वेस्ट इंडीज कैप, वाओ, शूनर इन चंद्रपॉल, लेजेंड ऑफ वेस्ट इंडीज, यस, अभी भी है मेरे पास, वाओ। तो मैंने तैयार होकर, मैं तो राह देख रहा था कि भाई कोई तो आए तो मेरे को फील्डिंग करने को जाना, और ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, करेक्ट। तो फिर कोई आ गया अंदर, चांस मिला मेरे को, दो ओवर तीन बॉल खेले, क्रिकेट गया, फिर वो उसने चेंज कर दिया। सर्वानंद बोला था कि अभी हम बढ़ते हैं, आपका इम्पोर्टेंट फेज इन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज आफ्टर द क्रिकेटिंग जर्नी। आप 2012 में त्रिपुरा के पास रिटायर हो गए, ओके, फिर आपने कोचिंग स्टार्ट किया। कोचिंग क्यों किया, मतलब व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ कोच, व्हाट वाज देयर वाज सम पर्टिकुलर रीजन और इट केम विद इन, अंदर से ही आया चलो अभी कोचिंग करते हैं? नहीं, इट्स देखो मुझे तो क्रिकेट से जुड़ना ही था, विदाउट क्रिकेट तो हम लोग रह ही नहीं सकते। तो मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो अंपायरिंग क्योंकि मेरा फोकस अच्छा था, और दूसरा कोचिंग। मैं जैसे रिटायरमेंट ले लिया, मेरा एक CCI का एक प्लेयर मेरे पास कोचिंग के लिए आने लगा, ओके, ठीक है। पहले तो मैं उसको फ्री सिखाता था, लेकिन उसके डैड ने मेरे को बोला, अरे फ्री क्यों सिखा रहा है, तो सिखा रहा है ना, तो पैसा टाइम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तेरे को नॉलेज दे रहे हो, और तभी मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने लेवल पास किया था, लेवल वन पास किया था, लेकिन कोचिंग सिखाने का नॉलेज नहीं था। वो बोला कि तू जो है ना वो ही सीखा, तू जैसा उसको, तेरे जैसा बना उसको, करेक्ट, खाली इतना मिला तो भी बहुत है,
उसके हिसाब फिर मैं कोचिंग की अपने आपने कहाँ पे सीखा कोचिंग? कोचिंग एक्चुअली अपना इधर लेवल वन लेवल टू हम लोग पास होते हैं बीसीसीआई से। ओके, तो लेवल वन यानी क्या रहता है? लेवल वन में बेसिक लेवल रहता है कि आउटस्विंग का ग्रिप कैसा रहता है, ग्रिप कैसे पकड़ना है, कैसे सब बेसिक। लेवल टू होता है, लेवल टू में थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स आ जाता है। लेवल थ्री में बायोमैकेनिक्स पूरा बायोमैकेनिक्स आता है, कैसे कैसे बॉडी का कैसे कैसा इनर्शिया क्या रहता है, ये सब अलग अलग टेक्निकल स्टफ फिजिकल। और ये लेवल थ्री के बाद You are a certified coach. नहीं नहीं, लेवल टू में भी सर्टिफाइड होते हैं, लेवल वन में भी होते हैं, लेकिन फिर लेवल वन के साथ ये आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेवल टू के साथ आप वैसे तो इंडिया प्लेयर को लेवल जरूरी नहीं नहीं रहते, लेकिन फिर उनको भी वो करना पड़ता है टू स्टे ऑन सेम पेज। करेक्ट, आप सिखा रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ, डिफरेंट सर्टिफिकेशन सिमिलर रहता है। करेक्ट, वो हमारे बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट अकेडमी रन करते हैं बैंगलोर, तो वो हमें एज अ प्लेयर वो सबको उसके गो थ्रू होना पड़ता है, वो प्रोसेस है। प्रोसेस है, यस। मुझे बताइए आपने ये जो लोकल कोचिंग जो किया रणजी ट्रॉफी कोचिंग, रणजी ट्रॉफी कोचिंग ये सफ़र कैसे हुआ, मतलब रणजी ट्रॉफी कोचिंग का? अच्छा, ये सफ़र मैं आपको बता दूँ, मैं एक प्लेयर के लिए फ़ोन किया था। ओके, उन्मेश खानविलकर को तो उन्होंने मुझे पूछा, उन्मेश ने कि अरे तू कोचिंग के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता? और तभी आप किसको कोच कर रहे थे जब उन्मेश सर से बात हुआ आपका? तभी मैंने मुंबई अंडर 23 किया 23 किया जीत गए थे हम लोग। करेक्ट करेक्ट, चल ठीक है। और मैं तभी था लंदन में। ओके, मैंने लंदन से फोन से अप्लाई किया। ओके, फोन से अप्लाई किया, ईमेल किया। करेक्ट, और ईमेल होने के बाद एक 15 दिन के बाद फोन आया। ओके, 17-18 दिन के बाद कि अभी परसों ये है इंटरव्यू है, तो आप आ जाओ। करेक्ट, बोला यार अभी इंटरव्यू तो मैं इधर हूँ लंदन में हूँ, तो लंदन से आऊँ कैसे? करेक्ट, तो मैंने उसको बोला कि अरे मैं लंदन में हूँ, तो लंदन से मैं आऊँगा 23 तारीख को और 21 तारीख को ये था इंटरव्यू, मेरे लिए उन्होंने इंटरव्यू पोस्टपोन किया। ओके, 25 तारीख को आने के बाद 2 दिन के बाद किया। So, इंटरव्यू हो गया, सब होने के बाद पास हो गया, मेरे पप्पू पास हो गया, वैसा हो गया। तो लंदन में आप कोचिंग कर रहे थे तभी? हाँ, मैं टीम के साथ गया था कोचिंग कर। टीम, ओके, गुड। तो मैं बोला ना कि डेस्टिनी ऐसे होती है, right. तो ऐसे फटक करके, इट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, राइट। रणजी ट्रॉफी हेड कोच, ओके। मैं जरा सीके नायडू पे आता हूँ, जब आप अंडर 23 जीते थे कौन प्लेयर्स थे उसमें कोई जो बाद में रणजी ट्रॉफी के लिए? सभी थे, मुलानी था, तुषार देशपांडे था, ओके, आपका आकाश पारकर, दुमार, एकनाथ केरकर, आपका ध्रुमिल मटकर, ओके, शिवम दुबे, ओके, आपका सूर्य कुमार यादव। अभी आते हैं वापस रणजी ट्रॉफी की तरफ, हेड कोच विनायक सामंत एज अ प्लेयर अलग अप्रोच था, एंड हेड कोच कैसा था अप्रोच? हेड कोच मेरा ये था, ऑलवेज मेरा मानना एज अ कोचेस आई एम अ हेल्पर ऑफ द टीम। करेक्ट, आई एम नॉट अ कोच और आई एम नॉट अ फिलोसोफर, आई हैव टू हेल्प देम टू गाइड देयर पाथ। करेक्ट, टू अचीव देयर पाथ, अचीव देयर गोल्स, राइट। सो हम लोग जरिया है उनके। करेक्ट, वो करते करते ये तो मिलेगा ही, वो अच्छा करेंगे तो ये अच्छा करेगा। करेक्ट करेक्ट, प्रोसेस तो मैं देख रहा था कि प्रोसेस अच्छा करेगा। आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग ये जीत गए अपना विजय हजारे ट्रॉफी। मुझे याद है वो विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा 2 मैच के लिए अवेलेबल थे और अजिंक्य रहाणे फुल सीजन अवेलेबल। तो आपने रोहित शर्मा को भी कोचिंग की? करेक्ट, हाउ इज अ गाय एज अ पर्सन इनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, इनको खाली मैनेज करना। मैनेज करना है, क्या करना होता है मैनेज करना? इसका मतलब ऐसे इनको इनकी ड्यूटीज मालूम मंजे हुए प्लेयर है, तो इनको कुछ अलग से मुझे सिखाना नहीं। करेक्ट, मुझे खाली ये देखना है कि आपका इम्पोर्टेंस कितना है, खाली दिखाओ, बस सिंपल है। वो उधर रहते ही इसके लिए, रोहित शर्मा अगर रणजी ट्रॉफी में आके खेलेगा तो सामने वाले डर ही जाते। रोहित आने के बाद या अजिंक्य आने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोग इंडिया ऑब्वियसली इंडिया खेल के आए, ऊपर से
ये आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ऊपर से क्या होता है कि ये लोग अपने नाम के लिए खेलते हैं। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट डैट कि सब सीनियर प्लेयर्स मन लगा के खेलते थे। ऑल्दो बहुत से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे कोई सीनियर नहीं था कि काम चोरी करेगा या नहीं ये आए तो मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं था। सब लोग उधर हेल्प कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हाँ, रिजल्ट नहीं आना वो इट्स ऑल अबाउट लास्टिंग, बट एफर्ट्स इन इंपोर्ट, एफर्ट्स दे रहे, राइट, सो आई एम हैप्पी विद इट कि एटलीस्ट वो एफर्ट्स दे रहे। करेक्ट। सो आप जब भी कोच बने और जब भी आप प्लेयर थे, ओके, एक फिटनेस कल्चर आ गया क्रिकेट में, वो टाइम पे फिटनेस आपका क्या रहता था और अभी फिटनेस एज अ कोच है तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप प्लेयर्स से? अभी फिटनेस बहुत स्पेसिफिक हो गया क्योंकि फिटनेस के बारे में स्पेसिफिकली जरा यंगस्टर्स को बताएं। यस यस, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी फिटनेस करता था तो मैं गधे जैसा भागता था, सिर्फ भागता था, एक एक घंटा भागता था और अच्छे पेस पे। मैंने शिवाजी पार्क पे भाग रहा था, हमारे पास शूज़ के लिए पैसे भी नहीं होते थे, हम लोग वो डेढ़ गली से पैसे और सस्ते में 500-400 रुपए के शूज आते थे, वो पूरा छिल जाता था भाग भाग के, लेकिन हम लोग उससे भागते थे। एनीवे तो रोड रनिंग करते थे। आजकल क्रिकेट में रोड रनिंग अलाउड नहीं है, एंड विच इज़ परफेक्ट थिंग, लेकिन रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग या शटल रनिंग या यू नो स्पेसिफिक रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंट्स और ये, लेकिन मुझे लॉन्ग रनिंग से फ़ायदा हो गया कि मेरा फोकस अच्छा हो गया, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में क्या होता है कि आप जब भी आधा एक घंटा भाग रहे हो, आपको फोकस करना पड़ता है आपके ब्रीदिंग पे, आपके फोकस करना पड़ता है आपके रिदम पे, आपको फोकस करना पड़ता है आपके नेक्स्ट स्टेप पे, ना कि कौन सा गोल है। और लाइफ इज़ लाइक दैट, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट स्टेप। तो वो फोकस मेरा बहुत बड़ा, वो मुझे विकेट कीपिंग में बहुत फ़ायदा हुआ उसमें, कि मैं थकता नहीं था बिल्कुल, और मेरा फोकस जो स्टार्ट ऑफ द इनिंग है वही एंड ऑफ द इनिंग रहता था 90 ओवर के बाद, क्योंकि मेरा फिटनेस बहुत अच्छा था। 89.6 बॉल को भी वही फोकस रहता था, वही मेरा माइंड थकता ही नहीं था, मेरा बॉडी ना थकता था। तो क्या है कि अगर आपका बॉडी नहीं थक रहा है तो आपको मेंटल आप वीकनेस हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे को भागने से बहुत फर्क पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं भागा करके आप भी भागो, नहीं, बट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत अच्छे फिट हो लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं हो तो फ्लेक्सिबिलिटी से आपका मसल टेयर वगैरह हो सकता है विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल कितने रहना है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबल, ये आप दोनों कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। तो बस सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन टुडेज डे क्रिकेट। ठीक है, इंजरीज हुई आपको कभी? यस, मेरे को इंजरीज लेटर ऑन हुई है, जहाँ पे मैं फिटनेस कैंप पे गया था, मफतलाल कैंप MRF पे गया था, हमारे BPCL ने भेजा था, और अनफॉर्चुनेटली है ना गीले ग्राउंड पे हम लोग को भगा रहे थे। तो मैं जब भी जिधर भाग रहा था उधर थोड़ा सा ज़्यादा गीला था और मैं टर्न करने गया और मेरा मिनिस्कस टेयर हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत भाग रहा था। और वो फिटनेस करते करते मेरा ओवर फिटनेस इज आल्सो नॉट गुड, ओवर फोकस की वजह से 84 पे आउट हुए थे, ओवर फिटनेस की वजह से भी इंजरी हो गई। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब करियर स्टार्ट किया था तब महेंद्र सिंह धोनी एज अ बैट्समैन बहुत टेरिफिक बैट्समैन थे, बट एज अ कीपर वो डेवलप हो गए। तो महेंद्र सिंह धोनी विनायक दादा के पास कुछ सेशंस किए थे, सेशन तो नहीं किए थे लेकिन मैच में मेरे साथ बात कर रहा था, क्योंकि मैं आसाम के लिए खेल रहा था, वो झारखंड के लिए खेल रहे थे। और तभी जैसे आपको मालूम है कि धोनी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो उठा लेता है, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि सामन भाई, कैसे आज भी मुझे सामन भाई करके बोलते हैं, सो तभी उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरा कीपिंग में क्या क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। जो छोटा बहुत कुछ मैंने बताने से कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसे जस्ट डिस्कस करते, जैसे दो फ्रेंड के बीच में वैसे डिस्कशन हुआ था, सेशंस नहीं हुए थे। ओके, लेकिन हमेशा वो मैच में आने तो बात करते थे, ऐसा कर रहा हूँ मैं, कैसे और कैसे अच्छा करूँ, कैसे ये सब होता था। अमेजिंग है, अमेजिंग। आज भी मुझे बीच में एक मैच में मिला था, एक एग्जीबिशन मैच खेल रहे थे, तो आया, अरे सामन भाई कैसे हो आप, इट इज़ सो प्राउड के
इतना साल के बाद मिलके भी बड़ा प्लेयर भी सामन भाई करके बोलता है, सो इट्स मींस अ लॉट फॉर मेरे जैसे. दादा ये बताता है कि एक प्लेयर से अच्छा वो इंसान कितना. एग्जैक्टली प्लेयर तो फॉर्म है नहीं है, वो तो प्लेयर बनते रहे. एग्जैक्टली लेकिन एक कितना इंपॉर्टेंट इंसान है, उसकी परवरिश कैसे हुई है ये बताता है. एग्जैक्टली स्वीप शॉट ये ऐसी चीज है, इट्स अ वेपन टू प्ले अगेंस्ट अ स्पिन. ओके लेकिन आपका क्या टेक है स्वीप शॉट? मैं यूजुअली क्या करता था कि स्वीप शॉट मुझे चाहिए उधर मैं खेलता था. ओके फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है, मिड ऑन रखा है, डेस मैच में बोल रहा हूँ, अगर मिड ऑन रखा है तो मिड विकेट ऊपर रहता था, डीप स्क्वायर लेग रहता था, तो मैं देखता था कि वो खेलो और बीच में एक ओवर द मिड विकेट कैसे, तो एक दो शॉट उधर मारे तो वो क्या करता था पीछे लेता था, तो वो पीछे लिया तो फिर वो फिर तो मेरे को इजी हो जाता था एक एक दो दो रन. और स्वीप शॉट यूजुअली गुड लेंथ बॉल को खेलते हैं और जिधर आप डिफेंस डिफिकल्ट थोड़ा सा सिचुएशन आ जाता है, स्पेशली जिधर टर्न और थोड़ा सा बाउंस है या टर्न हो रहा है अच्छा, तो उधर आपको स्वीप शॉट खेलना बहुत ज़रूरी है. और स्वीप शॉट खाली खेलना नहीं है, तो स्वीप शॉट आप नीचे कैसे रख सकते हो वो पहले इंपॉर्टेंट है. अगर आप नीचे रख सकते हो तो ऊपर मारना तो बहुत ईजी है. तो स्वीप शॉट कैसे कि गुड लेंथ बॉल को अगर आप स्वीप शॉट खेलोगे स्पिनर्स को या तो ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर, तो उसको क्या है उसका लेंथ और लाइन चेंज करना पड़ता है. या तो वो जोर से आगे डालेगा तो आप पैटर्न स्वीप कर सकते हो, अगर लंबा डालेगा तो आप शॉट या पुल शॉट खेल सकते हो या कट शॉट खेल सकते हो. सो स्वीप शॉट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फिर कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर आपको गुड लेंथ पे डालने को कतरा है. ओके सिंपल राइट वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट एंड इंप्लीमेंट इट इन प्रैक्टिस और मैच ऑल्सो, तो आपको रन ज़्यादा बनेंगे. क्यों? यस डेफिनेटली, क्योंकि यूजुअली गुड लेंथ को हम लोग डिफेंस डिपेंड करते हैं. वही बॉल अगर स्विप खेलते हो तो फिर बॉलर ऑल्सो थिंक यार अभी किधर डालो, या तो यॉर्कर डालूँ होशियार रहेगा, वो देखिएगा यॉर्कर डालू उसको मिस कराओ, लेकिन मिस खेले तो आपको वापस पैटर्न स्वीप है आपके पास स्कूप से. एग्जैक्टली, तो आप कुछ भी कर सकते हो. सैक्रिफाइस किए बहुत सारे बर्थडे पार्टीज रिश्तेदारों के यहाँ पे फंक्शन पार्टीज तो बहुत से ही किए, क्योंकि पार्टीज को जाने को पैसे ही नहीं थे तभी तो पार्टीज तो ऐसे भी जाते नहीं थे. सैक्रिफाइस रिश्तेदारों ने बुलाया, काका के घर पे शादी, मामा के घर पे शादी. मैं मेरा बच्चा पैदा हुआ तभी मैं नहीं था. वाओ कहाँ पे थे आप? मैं तो अभी खेल के जस्ट आया था, लैंड हुआ और फिर मिलने गया मेरी. सो होता है अभी भी सुनता हूँ. पार्थ पार्थ क्या करते हो? वो अभी सेकेंड ईयर में SIS साइन में. हाँ मास मीडिया कर रहे हैं और पियानो इस्ट है. वाओ ट्रिनिटी की फिफ्थ एग्जाम दे रहे हैं. वाओ सो ही वांट टू बिकम अ पियानिस्ट. मैं आपको है ना एक कंगाली एक टाइम शील्ड ये जो टूर्नामेंट आप सब खेल के बड़े हुए के बड़े एज अ एज में भी और सारे प्लेयर्स और मुंबई का बेस है टाइम शील्ड या कंगाली क्रिकेट या बहुत सारे क्लब के टूर्नामेंट्स और फिर किसी किसी को क्लब क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, जॉब लेना पड़ता है, जॉब लेके फिर टाइम शील्ड नीचे के डिवीजन में खेलते हैं, उनको एक जरा मैसेज दीजिए कि होप है किधर को क्रिकेट के लिए. एज आप अगर देख रहे हो कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, आपका प्रोग्रेस होना ज़रूरी है और प्रोग्रेस शुड मीट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि आपको जब भी पता चलता है कि मैं ये प्रोग्रेस में हूँ और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप किधर ना किधर तो कम हो. क्योंकि अगर आप अच्छे हो और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता. आप अगर अच्छे हो तो यस लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, मनी इन्वॉल्व है कि नहीं मेरे पास पैसा है तो उसको चांस भी मिल सकता है किधर. मैं ये नहीं बोला कि मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप आपके बेस्ट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. सो ट्राई टू बी द बेस्ट रादर देन यू नो, लेकिन उसके लिए आपको आईना देखना पड़ेगा कि मैं किधर खड़ा हूँ, कौन सी स्टेप पे खड़ा हूँ और कौन सी स्टेप पे जाना है, मुझे कब तक जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है. अगर आप ऑर्डनरी प्लेयर हो तो ऑर्डनरी से आपको अच्छा प्लेयर और अच्छे प्लेयर से एकदम सुपरस्टार बनने के लिए वो जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. और वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सेल्फ बिलीव हो, लेकिन वापस सेल्फ बिलीव के ऊपर इंपॉर्टेंट है आईना देखना. ओके दादा मुंबई क्रिकेट के बारे में बताइए, अभी का जो मुंबई क्रिकेट है कौन से डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं? मतलब MPL एक नया एडिशन आया उस पर आप कोच थे. ओके और अभी का जो मुंबई क्रिकेट है वेदर इट में बी कंप्लीट क्रिकेट एज ग्रुप क्रिकेट या सैयद मुश्ताक अली या विजय हजारे या रणजी ट्रॉफी या MPL,
वेयर यू सी मुंबई क्रिकेट कमिंग, क्योंकि बहुत सारे साउथ से टीम्स आ रहे हैं, कर्नाटक ऊपर आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, राजस्थान है, वहाँ से नॉर्थ से भी आ रहे हैं, एमपी है, यूपी है, सब आ रहे हैं। नहीं, इसमें कैसा है कि सी ऑल टीम्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, करेक्ट, बिकॉज दे आर हैविंग अ यू नो आइडल आइडल रहता है हर टीम का, करेक्ट। जैसे रांची से धोनी आने के बाद रांची का टीम अच्छा हो गया, करेक्ट। उड़ीसा से कोई आया, करेक्ट, शिव सुंदर दास बंगाल से आया, करेक्ट। तो अभी जडेजा आया सौराष्ट्र से, इधर से इधर से, तो सबको आइडल्स मिले तो प्लेयर्स ऑब्वियसली उधर से बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप आपका मोर देन 100% देते हो बॉम्बे का कोई भी प्लेयर, तो हम लोग किसी भी टीम के ऊपर भारी डोमिनेट करें। एक अच्छा बात इसमें यह है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन पॉजिटिव खेलते टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रबल, वो हम लोग को और बेटर कराना है जो हम लोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पे साईराज भूतुले, अजीत आगरकर या रमेश पवार, माई सेल्फ, हमारे टॉप ऑर्डर जाते थे तो हम लोग पीछे वाले वो संभाल एक्स्ट्रा बर्डन लेते थे। अजीत ने सो किया है पीछे जाके, अजीत ने 50 साल किया है, रमेश ने शो किया है 2-3 बार, 50 साल किया है, 50-60 साईराज था, मैं था, हम लोगों ने फिर वो तो वो क्या वो होना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे हुआ है ये साल, आपने देखा होगा कि बॉम्बे टीम ढल गई थी और नीचे शम्स मुलानी और तनुष कोटियन ने वो पारी संभाल के वो जीता। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच में किधर तो मिस हो रहा है, अभी वो हो रहा है, वी आर कमिंग बैक टू दैट, यस यस, बट गुड। मुंबई क्रिकेट टीम, वी आर प्लेइंग पॉजिटिव क्रिकेट, व्हिच इज गुड। मुंबई क्रिकेट टीम यानी डोमेस्टिक क्रिकेट में इसको वेस्ट इंडीज का 70 का टीम कहा जाता है, नाम से ही थोड़ा ठस जाते हैं, क्योंकि मुंबई का उतना ऑरा है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर है, और अभी धोनी भी है उसके साथ, क्योंकि ये दो ऐसे पिलर है इंडियन क्रिकेट के, जो एक तो भगवान है और दूसरा एकदम स्मार्ट क्रिकेट, जिसने आपने देखा कि 2 वर्ल्ड कप जीता है। सो ऐसे ही वर्ल्ड कप या ऐसे ही सीरीज जिताई नहीं जाती। सो ये दो मेरे आइडल हैं हमेशा, मैं और ये दोनों ही अच्छे इंसान हैं और इसके लिए मेरे वो आइडल है। सो दादा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, आपका वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ट्रिकी माइंड चैनल पे आपने ये कहानी सुनी मिस्टर विनायक सामंत की, एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ इंसान, ओके, उन्होंने कितने कितने स्टार्स के साथ क्रिकेट खेला है, कितने स्टार्स के साथ अगेंस्ट क्रिकेट खेला है, ये ट्रिकी माइंड्स पे आपने देखा। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको काफ़ी अच्छी लगी, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि नेक्स्ट आपको स्टार वॉल्ट यानी या सुपरस्टार मुंबई का किसको देखना चाहोगे, किसको पसंद करना चाहोगे, हमें ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बोल दीजिए ज़रा, प्लीज़ लाइक करा आणि सब्सक्राइब करा या चॅनलला। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू दादा, थँक्यू।